अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं आपका होस्ट राजा उसामा और मैं हाजिर हुआ हूं बाबा टीम 86 की तरफ से। तो यार, सिर्फ ये वीडियो छोटी सी बनाने का मकसद ये था कि जो लोग बहुत से भाई हैं जो मतलब पढ़ने के एंगल से या फिर किसी भी वजह से जो उनसे वो आउट ऑफ कंट्री आना चाहते हैं, मतलब यूरोप के किसी मुल्क में आना चाहते हैं, तो उनको ना काफ़ी मतलब जहन में सवालात होते हैं। जिस तरह मेरे जहन में काफ़ी सारे क्वेश्चंस थे कि प्लान में जाना है तो वहाँ चेकिंग का क्या मसला होगा, शुरू में बोर्डिंग का क्या इशू होते हैं, तो मतलब इस तरह के बहुत से क्वेश्चंस थे। मतलब मेरे जहन के एंड पे ये भी क्वेश्चन था कि पता नहीं अगर हम जो है वो इनके प्लान्स के वाशरूम यूज़ कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, वो उनका अंदर इंटीरियर कैसा होता है, हम वहाँ पे किस तरह, ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह मैं आपको, मैंने इसकी एक कम्प्लीट वीडियो बनाई, मतलब मिस घर से स्टार्ट लिया और जहाँ मैं साइप्रस में आया हूँ टर्की के अंदर है, मैं वहाँ तक आया हूँ, तो मैंने वो कम्प्लीट एक वीडियो बनाई है इंट्रो के लिए, ताकि आप लोगों को ना जो बंदा आए नर्वस होते हैं ज़रा फर्स्ट टाइम पे, तो वो उनको ना बिल्कुल ईजी होके आए, उनको कोई भी मसला ना हो। और जब वीडियो देखने के बाद इनशाला इनशाला मेरी उम्मीद करता हूँ कि आपको ना वो काफ़ी सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। तो फिलहाल इस टाइम आपको दिखाता हूँ अपनी लोकेशन जहाँ पे हमारी रिहाइश है और ये हमें यूनिवर्सिटी की तरफ से रिहाइश दी गई है। हमारे यहाँ पे इसको डोम कहा जाता है, तो पाकिस्तान में इसको हॉस्टल्स कहते हैं, ठीक है, तो ये हॉस्टल्स वगैरह हैं। तो आए इंशाल्लाह यहाँ पर लग्जरी माहौल है, मैं आपको सारा इंट्रो कराता हूँ जी प्लीज। अच्छा जी, इस टाइम हम खड़े हुए कॉरिडोर में अपनी यूनिवर्सिटी के, ठीक है, तो यहाँ से चलते हैं अपने रूम की तरफ, आपको अपने रूम का फुल विजिट कराएंगे। तो यही हाँ कि फिलहाल लिफ्ट है, अगर आपने सीढ़ियों से चल सकते हैं, सीढ़ियाँ भी हैं, तो ये सीढ़ियाँ इनकी स्टेयर्स, और ये जो है इनके पास लिफ्ट है, ये भी यहाँ पे सारा मेंशनड है, और ये सारे जितने भी हैं ये सारे मतलब लग्जरी जो उनसे आप कह सकते हैं अपार्टमेंट्स हैं सारे, अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। ये लिफ्ट खुल चुकी है, लिफ्ट में आप आए, और ये एक ये हमारे कैमरा मैन, हमारे एडिटर्स और हमारा ऑल इन वन एडिट करते हैं असद भाई, ठीक हो गया। तो इंशाल्लाह अभी आपको ऊपर चढ़ के दिखाते हैं, अपने डोम की तरफ आएंगे। ये इनका फर्स्ट फ्लोर है, ठीक है, और इससे ऊपर जो इनका सेकंड फ्लोर है, और ये इनका किचन है, आपको किचन भी एंड पे मतलब पहले चेक किचन जा रहा, आप दिखा लें इनको ना किचन के तरफ, आप व्यू इनको लेके आ जाओ। मैं आपको अपना रूम दिखाता हूँ, और आपको मैं एक और बात बता दूं कि इनके जो है वो कार्ड्स होते हैं, असद साहब आगे आ जाए, इनके कार्ड्स होते हैं, इनका जो रूम है वो कोई और बंदा ओपन नहीं कर सकता, एक रूम में सिर्फ 3 मेट्स रह सकते हैं। ये रूम 112 है, 114, एंड ये जो है हमारा रूम है रूम 116, ठीक है। ये देखें ये कार्ड है, ये असद भाई जरा कार्ड इन चीज फोकस कीजिएगा, ये 116 है, ठीक है। अब ये देखें, ये मैं ऐसे करूंगा, ये हम नहीं खोल सकते इसको, ठीक हो गया। ये सर मैंने यहाँ पे इनको अपना कार्ड ऐसे शो कराना है, ये खोल गया, ये इतना इजी है, ठीक है, ये कोई हार्ड नहीं है। तो अभी असद भाई आप अंदर से इनको व्यू करा के लेके आओ यार सारा। आपको मैं एक और बात बता दूं कि इधर जो इलेक्ट्रिसिटी है वो ऐसा नहीं है कि
मतलब महीने बाद आपके पास वो बिल आएगा, एक पर्ची आएगी, घर फेंक के जाएंगे और आपको बोलेंगे कि आपको बिल जमा करें। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे प्रॉपर इस तरह की एक सप्लाईज लगी हुई है, ठीक है। आपने मतलब यहाँ आप कह रहे हैं कि 100 लीरा, जो मतलब यहाँ का है, 100 लीरा की आपको 20 यूनिट दे दी जाती है। वो 20 यूनिट भी पाकिस्तानी यूनिट नहीं होती है, रीजनल्स होती हैं। मतलब आप इसको 20 यूनिट को कम से कम, अगर आप सिंगल बंदा है ना, वो इसको 2 वीक्स जो है ना आराम से गुजार सकता है। सर्दियों की बात करूँ, गर्मियों में फिर जितना आप ऐसे यूज़ करेंगे उस मुताबिक जो है ना, फिर आपका ये बजट ही बढ़ जाता है इसका, ठीक है। अभी फिलहाल तो एक लाइट है, उसका इतना इशू नहीं है, ठीक है। ये बस सेकंडली ये भी सेम उसी तरह है, मतलब क्योंकि 3 बंदों का अपार्टमेंट था तो एक बंदे का ये हो जाता है, और 2 का जो है फिर एक ही, और एक साथ साइड पे हो जाएगा, ठीक हो गया। एक तीसरे का ये हो जाता है, 3 मतलब आप इसमें अपार्टमेंट इजीली है। बाकी अब ये 3 इस साइड पे लेके हैं, ये तीनों मतलब यहाँ बता जो कोई असल में पढ़ने के एंगल से कह सकते हैं, तो ये तीनों जो उनसे ना स्टडी टेबल्स हैं, पता लगे मेरे जानी ना हो। मिनी रेफ्रिजरेटर, यार ये हमारे शहजादे भाई आए थे, बल्कि इनका वीज़ा भी मेरे साथ रहा लगा, ठीक है। तो ये फिलहाल अकेले रह रहे हैं, मैंने बताया था मैं डोम में रह रहा हूँ भाई दोस्तों के साथ, तो ये भाई अकेले रह रहे हैं। तो जो बाकी इनसे एक दो मतलब जो है इधर क्या मामला हुए वो उनसे जरा पूछ लेते हैं। सर तो अपने जी बारे में दो एक दो लेने श्योर जी चीज़ें। जी एक्चुअली मैं फैली मेरी था कि नॉर्थ साइप्रस में विजिट करूं, कैसा सीन है। तो उधर एडमिशन हो गया यूरोपियन यूनिवर्सिटी ऑफ लेफ्टिव में। फिलहाल तो जो स्नेरियो चल रहा है तो अच्छा है। फिलहाल अभी आज मेरा टेस्ट था, इंग्लिश प्लेसमेंट टेस्ट, इट्स क्वाइट वेल। तो अब देखते हैं कल रिजल्ट आ जाए, देन कोर्स स्टार्ट हो जाएगा। तो बस यही सीन है। तो फिलहाल डोम में मैं अकेले ही हूँ, ये भाई है हमारे उसामा, तो ही इज सच अ नाइस गाय। ये बाय रुक रहे अपने फ्रेंड्स के साथ, तो फुली जाएंगे वापस, तो फिर चला के ठहरेंगे। तो ये 2 सेमेस्टर का है हॉस्टल, देन उसके बाद इंसान को बाहर अपनी अकोमोडेशन खुद अरेंज करनी पड़ती है। तो फिलहाल तो हम लोग रह रहे हैं शिशकों में, है ही बेहतरीन रूम, फर्निश है, वेल फर्निश है, तो बाकी भी अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये है कि अच्छा सिनेरियो है, इंशाल्लाह फिर मिलते हैं। थैंक यू सर। तो ये मामला थे सर, ये हमारे भाई जो यहाँ अकेले रह रहे हैं, तो यार ये इनको इधर यार लग्जरी है फिर। वैसे तो ये इनको ऊपर जो है, अगर आप हल्का सा ऊपर कैमरा करें तो ये फायर डिटेक्टर वगैरह सब कुछ यहाँ लगा हुआ है। मतलब अगर आप स्मोक भी करेंगे ना तो ये डिटेक्ट करके आपको फायर अलार्म दे देते हैं, ठीक है। तो ये इनके बेड्स वगैरह हैं, इनकी यार बेड्स पे ले गया। ये मतलब वो जो आपको दिखाया वो सारे पार्ट्समेंट ला गए, ये इनकी अलग से एक स्पेस बनी हुई है, इजिली आप यहाँ सामान वगैरह स्टोर जो है ना वो कर सकते हैं। तीनों बेडों की अलग अलग है इस तरह की, ठीक हो गया। चलो उस जालमा इतना सख्त। तो यार जो बाकी डिटेल वीडियो है इंशाल्लाह वो मैंने आपको बताया था चुका पहले भी, वो मैं इंशाल्लाह अपलोड करता हूँ इसके बाद। तो बाकी ये कैसा लगा तो यार आपने कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। अल्लाह हाफिज़।